قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما نافعا اللهم رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से मदीना से जवाब मिलता है तो सभी मिलकर पढ़ लीजिए सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह दीरोज़ दरबिस्ताने सिरा के हम मतूतियाने खुशनवा पढ़ती थी नाते मुस्तफा मलाउला बिकमाली ये कुमरियाँ भी जौख में डाल सर अपना तौक में करती थी चर्चा शौक में कशफ दुजा भी जमाली ही ये बुलबुलें भी कुबुकू ले ले के हर एक गुल की बू करती थी चर्चा सुबसू हसनत जमियो खिसाली ही ये चिड़ियों के सुनकर चह चहे इंसान भला क्यों चुप रहे लाजिम है उसको यूं कहे सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लम व सल्लो अलैहि तमाम हम्द व सना उस मालिक लम यज़ल के लिए है जो मालिक लम यज़ल हम सबको पैदा करने वाला है तमाम हम्द व सना उस करीम अल्लाह के लिए है जिस करीम अल्लाह ने हमें तरह तरह नेमतों से नवाजा है और तमाम दुरूद व सलाम लाखों करोड़ों अनगिनत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कि जिस ज़ात के लिए अल्लाह करीम ने हमें पैदा फरमाया है फिर लाखों सलाम उन हस्तियों पर जिन हस्तियों ने अपना माल अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया दीन इस्लाम की खातिर दीन इस्लाम की बका की खातिर उन हस्तियों पर सलाम लाखों करोड़ों अनगिनत सलाम अल्लाह तबारक व तआला उन हस्तियों के सदके हम सब की भी गुनाहों की बख्शिश फरमाए और हम सब के दर्जात भी बुलंद फरमाए अब आप इसी वक़ार दुआ करते हैं अल्लाह करीम की पाक बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला हम सब का चल कर आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मिल बैठ कर अल्लाह के घर में जिक्र अज़कार करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए अल्लाह तबारक व तआला अपने अजमत वाले कुरान में अरशाद फरमाता है फरमाया करीम अल्लाह ने कि कुल आतीउल्लाह व रसूला فَيَتَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ करीम अल्लाह ने अर्शाद फरमाया
ऐ मेरे महबूब आप इन्हें कह दीजिए, आप फरमा दीजिए कि हुक्म मानो उस अल्लाह का। कुल अतीउल्लाह, हुक्म मानो उस अल्लाह का और वर रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया फ़इन तवल्लौ, अगर वो मुंह फेरे, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी काफिरों को पसंद नहीं फरमाता। पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऐलान भी अपने महबूब की जुबान अक्दस मुबारका से कराया कि ऐ महबूब आप इन्हें फरमा दीजिए कुल अतीउल्लाह वर रसूल, के हुक्म मानो अल्लाह का भी, हुक्म मानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। अगर फिर कोई मुंह मोड़ता है, मुंह फेरता है, रू गर्दानी करता है, हट जाता है इस रास्ते से, तो फरमाया फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को पसंद नहीं फरमाता। पता ये चला अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अजमत वाले कुरान में जहां हुक्म अपनी इताअत का फरमाया है, जहां हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी फरमा बरदारी का फरमाया है, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात का जिक्र फरमाया है, पता ये चला वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात के साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का भी जिक्र फरमाया है। जहाँ अपने हुक्म का हुक्म फरमाया कि मेरा हुक्म मानना है, मेरी इताअत करनी है, वहाँ साथ ये भी फरमा दिया है कि मेरी इताअत के साथ साथ मेरे महबूब पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का हुक्म भी मानना है, उनकी भी इताअत और फरमाबरदारी करनी है। पता ये चला कि मालिक लम यज़ल ने जहाँ जहाँ भी अपना जिक्र फरमाया है, वहाँ वहाँ अल्लाह करीम ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी फरमाया है। जहाँ जहाँ अपना जिक्र फरमाया, वहाँ वहाँ अपने महबूब का जिक्र भी फरमाया। अगर आज हम देखें सिर्फ अजान को देख लें, जहाँ अजान में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना जिक्र फरमाया है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जहाँ करीम अल्लाह ने अपना जिक्र फरमाया है अजान में, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र फरमाया है। फरमाया अजान के बाद तकबीर होती है, फरमाया अजान में भी अल्लाह ने अपने जिक्र के साथ अपने महबूब के जिक्र को रखा, और तकबीर में भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिक्र के साथ अपने महबूब के जिक्र को फरमाया है। फरमाया अजान के बाद तकबीर, तकबीर के बाद नमाज है, फरमाया नमाज में भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का जिक्र नहीं, बल्कि फरमाया अल्लाह के जिक्र के साथ साथ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भी है, और फरमाया साथ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू भी है, और फरमाया साथ अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने अजान के साथ भी अपने महबूब का नाम मैंने अपने नाम के साथ रखा है, तकबीर में भी अपना जिक्र के साथ अपने महबूब का जिक्र रखा है, और नमाज में भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हम्द के बाद, अपनी तस्बीह और तहलील करवाने के बाद, अपनी तारीफ व हम्द करवाने के बाद अपने महबूब पर सलाम भी भेजने का हुक्म अता फरमा रखा है, और दूदो सलाम पढ़ने का और नबी बरहक मानने का भी हुक्म अल्लाह तबारक व तआला में नमाज में अता फरमा दिया है।
तो पता ये चलता है कि आसान में भी अल्लाह ने अपने जिक्र के साथ अपने महबूब का जिक्र रखा, तकबीर में भी अपने जिक्र के साथ अपने महबूब के जिक्र को रखा, और नमाज में भी अपने जिक्र के साथ अपने महबूब के जिक्र को रखा। फरमाया कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला जुमला अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदनियत का रखा, और कलमा तैयबा में भी दूसरा जुज अपने महबूब के जिक्र का रखा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया मेरा महबूब आसान हो तो भी मेरे जिक्र के साथ तेरा जिक्र होगा, तकबीर होगी तो भी मेरे जिक्र के साथ तेरा जिक्र होगा, फरमाया नमाज होगी तो भी मेरे जिक्र के साथ तेरा जिक्र होगा। फरमाया ऐ मेरे महबूब, उसके बाद जाकर कलमा पढ़ा जाएगा, कलमा तैयबा पढ़ने वाला भी तेरे मेरे जिक्र के साथ तेरा जिक्र भी जरूर फरमाएगा। और शिफा शरीफ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इजा जुकिर तो जुकिर तमाया, ऐ महबूब जब मेरा जिक्र होगा उस वक्त तेरा भी जिक्र होगा। ऐ महबूब इजा जुकिर तो जुकिर तमाया, ऐ महबूब जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा। फरमाया ऐ महबूब अजान मेरी होगी पर जिक्र तेरा होगा, नाम तेरा होगा। महबूब तकबीर मेरी होगी पर नाम तेरा होगा, जिक्र तेरा होगा। महबूब इसमें याद रख ले, नमाज मेरी होगी, जिक्र तेरा होगा। महबूब ये रिज्क ये कायनात मेरी है, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, और रिज्क तकसीम करने वाला तू होगा। कायनात मेरी, रिज्क मेरा, मालिक मैं, खालिक मैं, पैदा करने वाला मैं, सबको अता करने वाला मैं, पर महबूब सारे खजाने उन खजानों की चाबियां मैंने आपको दे दी हैं, और वो तकसीम करने वाला, खजाने तकसीम करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा महबूब तू होगा। फरमाया है मेरा महबूब खजाने मेरे होंगे, तकसीम करने वाला तू होगा, हरकत तेरी होगी, बरकत उसमें मेरी होगी। ऐ महबूब उम्मत तेरी होगी, रहमत मेरी होगी। ऐ महबूब जन्नत मेरी होगी और उम्मत तेरी होगी। ऐ महबूब जब कल कयामत का दिन होगा, हशर का जब मैदान सजाया जाएगा, जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर बंदा अपने आमाल को देखकर परेशान होगा। बाप बेटे को भूल जाएगा, बेटा बाप को भूल जाएगा, हर बंदे को अपनी पड़ी होगी, माँ बेटी को, बेटी माँ को भूल जाएगी, हत्ता के दूध पिलाने वाली भी अपने बच्चों को भूल जाएगी। फरमाया उस वक्त भी मेरे महबूब जब वहाँ अदालत मेरी होगी, वकालत ऐ महबूब तेरी होगी, मेरी अदालत होगी, मेरी अदालत लगी होगी, ऐ महबूब तू वकालत करेगा, तू आएगा आकर सजदा करेगा, मैं कहूँगा इरफा रासका या मुहम्मद आहो, क्या दीजिए सुभान अल्लाह, इरफा रासका या मुहम्मद आहो, ऐ महबूब ऐ मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सरा अनवर मुबारक उठाइए और शफात करिए, मैं खुदा तेरी शफात को कबूल करने वाला हूँगा। फरमाया वकालत वहाँ पर हशर के दिन अदालत मेरी होगी, महबूब वकालत तेरी चलेगी। ऐ मेरे महबूब कयामत वाले दिन जब कहीं पानी नहीं मिलेगा, हौज़े कौसर मेरा होगा, ऐ महबूब वहाँ सरदारी तेरी होगी, तुझे इजाज़त होगी अपने बंदे को, अपने उम्मती को, जिस जिस को भी जो चाहे काशा भर भर के पिला। तो फरमाया पता ये चला ऐ महबूब, ऐ मेरे महबूब कौसर मेरी होगी, हाल कौसर की नहर मेरी होगी, पर तकसीम करने वाला तो होगा। ऐ महबूब दुनिया में भी अब्दुल्ला बंदा तो मेरा होगा पर बाप तेरा होगा। ऐ महबूब आमना बंदी तो मेरी होगी, उसे पैदा करने वाला तो मैं होऊंगा पर महबूब वो माँ तेरी होगी। ऐ मेरा महबूब मक्का मेरा होगा पर उसको बसाने वाला वहाँ पर रहकर मेरा और जो है मेरा बताए हुआ तरीके का रास्ता बताने वाला
तू मोहम्मद होगा, ऐ महबूब मदीना मेरा होगा, पर उस मदीने को बसाने वाला तू होगा। तो फरमाया पता ये चला, अगर हर किसी को महबूब अलैहिस्सलात वस्सलाम की इज्जत, महबूब अलैहिस्सलात वस्सलाम का मकाम, मर्तबा, शान नजर नहीं आती, तो ये उसकी आंखों का कसूर है, उसकी नजर का कसूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बड़ा ही मकाम अता फरमाया है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और हकीकत भी यही है, और हमारा मौजू भी आज जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुसन, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल, मेरे महबूब अलैहिस्सलात वस्सलाम का जमाल आला ही आला है। अगर आपका चलना तो वो भी जमाल है, वो भी अहसन है, वो भी हसीन है। आपके चेहरे को तकना वो भी जमाल है, वो भी आपके चेहरे का हुसन है, वो भी आपका कमाल है। तो इसलिए फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम के बारे में कि है नज़र नज़र में वो जलवागर, है नज़र नज़र में वो जलवागर, और नूर आँख का नूर है जो तेरी नज़र में न आ सका, जो तेरी नज़र में न आ सका तो तेरी नज़र का कसूर है। अल्लाह अकबर। हम कहते हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मकाम वराउल वरा है, उनकी शान वराउल वरा है, उनकी अजमत वराउल वरा है, उनका मर्तबा वराउल वरा है। क्यों दुनिया में भी रहकर हमारे महबूब रब्बे हबली उम्मती फरमाते रहे, जब इस दुनिया से पर्दा फरमाया जहरी, फिर भी रब्बे हबली उम्मती फरमाया, जब मेराज की रात अल्लाह के हां गए मुलाकात पर, फिर भी रब्बे हबली उम्मती फरमाया, और क़यामत के दिन भी जब सारे शफात के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, या आदम ऐ हमारे पाप हमारी सिफारिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला मैज़ान लगाए, हिसाब व किताब शुरू हो, तो वो फरमाएंगे ना ना आज मैं नहीं करूँगा, आगे जाओ नूह अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, अलगर्द इस्माइल, ज़बीउल्लाह, इब्राहिम, खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, सारे कहेंगे हम नहीं, बल्कि आज जो शफात करेगा, जिसके सर पर शफात का सिरा है, वो कोई और नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान, अजमत, मकाम देखें बहुत ही बुलंद है। और अगर कोई कहे कि नहीं हमारे जैसा है, तो फिर हम यही कहते हैं कि है नज़र नज़र में वो जलवागर, और नूर आँख का नूर है जो तेरी नज़र में न आ सका तो तेरी नज़र का कसूर है। और फरमाया एक और शेर में, डिठे वर्क कुरान देखोल सारे तेरी शान जे आप न कोई होर डिठा, तेरी शान द करे मुकाबिला जेड़ा ते उन्हों आशका असली चोर डिठा, ते कोई नूर आखे कोई बशर आखे पैंदा रात दिन इयो शोर डिठा, ओए आजम अल्लाह वाले गल मुका छोड़ी के तुसा होर डिठा असा होर डिठा। अल्लाह अकबर। कह दीजिए सुभान अल्लाह। पता ये चलता है कि जो कहते हैं कि वो हमारे जैसे हैं, तो उनको अल्लाह वालों ने सबक बता दिया है, समझा दिया है कि तुसा जड़ा देखे वो और है, जो हमने देखा है वो कुछ और है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत और मकाम के क्या कहने। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे कि वो आयत करीमा मैंने पढ़ी, कुल अतीउल्लाह वर रसूल, के ऐ महबूब आप फरमा दीजिए मेरा हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो। और फरमाया फइन तवल्लौ, और फिर अगर जो रूह गर्दानी करता है, अगर मुंह मोड़ता है, फरमाया फ इन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन,
अल्लाह काफरों को पसंद नहीं फरमाता। लिहाजा हम कहते हैं कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इताअत के साथ अपने महबूब की इताअत को रखा है, अपने नाम के साथ अपने महबूब के नाम को रखा है, अपने हुक्म के साथ अपने महबूब के हुक्म को रखा है। फरमाया जो मेरे रास्ते से मुंह फेरता है, रूगर्दानी करता है, मैं उसे भी नहीं पसंद करता। जो मेरे महबूब से रूगर्दानी करता है, मैं उसे भी नहीं पसंद करता। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अपनी जात के लिए अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के तमाम तारीफें मैं रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो सारे जहानों को पालने वाला है। फरमाया अपने महबूब के लिए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब मैं आलमीन का रब हूँ तो मेरे महबूब तू भी आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और फरमाया इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए अल्लाह करीम ने फरमाया कुरान पाक में कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, और अपने महबूब अलैहि सलातु वस्सलाम के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास, फरमाया है महबूब मैं भी लिन्नास के लिए हूँ, सारे लोगों के लिए हूँ। ऐ महबूब तू भी लिन्नास सारे लोगों के लिए है। और फरमाया इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के और मकाम पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ों का जिक्र फरमाया है, जैसा कि आता है वाकीमुस्सलाता वआतुज़्ज़कात, के नमाज कायम करो ज़कात अदा करो। जोड़ा अता फरमाया कि नमाज कायम करो ज़कात अदा करो। दूसरे मकाम पर फरमाया वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु बिलवालिदैन एहसाना, कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो उसके अलावा किसी की इबादत ना करो। फरमाया वबिलवालिदैन एहसाना, और अपने वालदैन के साथ एहसान करो। तीसरे नंबर पर जोड़ा फरमाया कुल अतीउल्लाह वर रसूल, मेरी भी इताअत करो मेरे रसूल की भी इताअत करो। ये तीन जोड़े फरमाया अकीमुस्सलाता वआतुज़्ज़काता, नमाज कायम करो ज़कात अदा करो। अगर कोई बंदा नमाज कायम करता है, नमाज पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, चाश्त भी पढ़ता है, अव्वाबीन भी पढ़ता है, फरमाया ईद नमाज भी पढ़ता है, नमाज जनाजा भी पढ़ता है, नमाज जुमा भी पढ़ता है, फरमाया नमाज कसूफ भी पढ़ता है, सारी नमाजें पढ़ने के बावजूद अगर वो ज़कात अदा नहीं करता, ज़कात का मुनकर हो जाता है, ज़कात कहता है मैं अदा नहीं करूँगा, फरमाया वो नमाजें भी काबिले कबूल नहीं होंगी। अल्लाह अकबर। फरमाया जोड़ा अकीमुस्सलाता वआतुज़्ज़काता, नमाज कायम करो ज़कात अदा करो। अगर कोई बंदा नमाज तो पढ़ता है, ज़कात अदा नहीं करता, ज़कात का मुनकर है, ज़कात नहीं अदा करता, कहता है कि नहीं मैं अदा करूँगा, फरमाया उसकी नमाजें भी काबिले कबूल नहीं हैं। दोनों जोड़ों को अदा करना होगा, नमाज को भी ज़कात को भी। फरमाया अगर कोई बंदा ज़कात तो अदा करता है पर नमाज नहीं पढ़ता, फरमाया उसकी ज़कात भी काबिले कबूल नहीं होगी, क्योंकि उसने नमाज का इनकार कर दिया है, नमाज को छोड़ दिया है, नमाज नहीं पढ़ता। फरमाया इसी तरह फरमाया जो दूसरा जोड़ा बयान फरमाया वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैन एहसाना, कि मेरी इबादत करनी है, मेरी इबादत के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। नंबर दो पर फरमाया वबिलवालिदैन एहसाना, अपने वालदैन के साथ एहसान करना है, हुस्न सलूक के साथ पेश आना है। फरमाया जो बंदा अल्लाह की इबादत करता है, ज़िक्र व अज़कार भी करता है, क़याम भी करता है, रुकू और सुजूद भी करता है, कुरान भी पढ़ता है, अल्लाह अल्लाह भी करता है, कलमा तैयबा का विर्द भी करता है, ज़कात भी अदा करता है,
फरमाया वो तमाम इबादात तो करता है, जब उसके पास इस्तेदाद होती है तो हज भी करता है। फरमाया अल्लाह की इबादत करता है पर वालदैन के साथ एहसान नहीं करता, वालदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। फरमाया वो सारी नमाजें, वो हज, वो ज़कात, वो सदकात, वो खैरात, सब कुछ जो है वो ख़त्म, क्योंकि वो उसने वालदैन की खिदमत नहीं की, वालदैन के साथ एहसान नहीं किया, वालदैन की दावेदारी नहीं की, वालदैन की बात को नहीं माना, वालदैन का वो इनकार ही हो गया कि मैं खिदमत नहीं करूंगा, ये तो मेरे हिस्से में नहीं है, कोई और खिदमत करे। फरमाया वो सब कुछ गया। फरमाया इसी तरह इस जोड़े में से कोई बंदा नमाज तो नहीं पढ़ता, ज़कात तो नहीं देता, जिक्र अज़कार तो नहीं करता, उसको छोड़ देता है, सिर्फ वालदैन की खिदमत करता है। फरमाया फिर भी वालदैन की जो खिदमत कर रहा है, उस वालदैन की खिदमत करना भी उसका बेकार जाएगा, क्योंकि उसने इबादत को छोड़ दिया है। फरमाया इस दोनों जोड़ों को पकड़ना पड़ेगा, इबादत भी करनी होगी, वालदैन की खिदमत भी करनी होगी, फिर काबिले कबूल होगा। फरमाया इधर नमाज भी पढ़नी होगी, ज़कात भी देनी होगी, फिर काबिले कबूल होगा। फरमाया जो तीसरा जोड़ा बयान किया है, कुल अतीउल्लाह वर रसूल का, फरमाया मेरी इताअत करो, मेरे महबूब की इताअत करो, मेरा हुक्म मानो, मेरे महबूब का हुक्म मानो। फरमाया जो पीछे जोड़े हैं, अगर उनमें से अगर कोई बंदा एक पर अमल करता है, एक पर नहीं करता तो काबिले कबूल नहीं। आगे वाले जोड़े में एक पर अमल करता है, एक पर अमल नहीं करता, काबिले कबूल नहीं। फरमाया देखो अपने महबूब से मोहब्बत का तकाजा तो देखो, हबीबुल्लाह की शान तो देखो, अजमत तो देखो। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने मकाम दिया है, जो इज्जत दी है, वो देखो तो सही ना। जब बारी आती है अपने महबूब की, जब बारी आती है आमना के लाल की, तो उस वक्त अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगो सुन लो, मैं युद्र रसूल फ़कद आता अल्लाह, जिसने मेरे महबूब की इताअत की उसने गोया मैं खुदा की इताअत की, जिसने मेरे महबूब का हुक्म माना उसने गोया खुदा का हुक्म माना, जिसने मेरे महबूब की पैरवी की, मेरे महबूब के बताए हुए तरीके के मुताबिक चला, गोया उसने खुदा को राजी कर लिया, गोया कि वो खुदा के रास्ते पर चला, गोया कि वो खुदा के बताए हुए रास्ते पर चला। फरमाया ये देख लो, ये मोहब्बत का तकाजा है, ये प्यार का तकाजा है, ये शान और अजमत और मकाम अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब का बयान फरमाया है। फरमाया पीछे अगर नमाज पढ़ता है, ज़कात नहीं देता, कुछ दोनों काबिले कबूल नहीं है। आगे फरमाया अगर अल्लाह की इबादत तो करता है, वालदैन की खिदमत नहीं करता, फरमाया दोनों काबिले कबूल नहीं है। यहाँ पर फरमाया कुल अतीउल्लाह वर रसूला, मेरा हुक्म भी मानो, मेरे रसूल का हुक्म भी मानो, और फिर साथ फरमा दिया मैं युतिर रसूल फकद आता अल्लाह, जिसने मेरे महबूब का हुक्म माना, मेरे रसूल का हुक्म माना, गोया के उसने खुदा का हुक्म माना है, गोया के उसने खुदा का हुक्म माना है। तो फरमाया इसलिए तो पता ये चला कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब से फरमाया महबूब जो मेरा है वो तेरा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, गोया कि अल्लाह तबारक व ताला मोहब्बत और चाशनी में अपने महबूब से फरमा रहा है, ऐ महबूब जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा नहीं वो तेरा नहीं, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा ही नहीं। यानी कि अगर कोई बंदा ये कहे कि हम तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वादहु ला शरीक की बात ही मानेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब एहतराम नहीं करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं मांगेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम नहीं माने पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अपना आइडियल नहीं बनाएंगे, उसके उसवे हसना पर अपने आप को नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ कुल ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़ते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ही बात को मानेंगे, तो अल्लाह फरमाता है इस तरह मैं उसे अपना नहीं बनाऊंगा, उसके लिए यही होगा, उसे मेरे महबूब के दर पर आना पड़ेगा, उसे मेरे बारे में पूछने के लिए, मेरे बारे में समझने के लिए उसे मेरे महबूब की चौखट पर आना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। फरमाया जिस तरह फूल है
अगर फूल में से खुशबू है, फरमाया खुशबू नज़र नहीं आती, अगर खुशबू को देखना है, खुशबू को समझना है, खुशबू को जो है उसकी महक को महसूस करना है, फरमाया उस तक पहुंचना है कि वो खुशबू किस जगह से आ रही है, फरमाया फूल तक पहुंचना पड़ेगा, फूल के पास जाना पड़ेगा। फरमाया इसी तरह इलम का जो है वो पता है, अगर फरमाया इलम को जो है वो हासिल करना है, इलम की तय तक पहुंचना है, फरमाया आलिम के पास जाना पड़ेगा, आलिम के पास बैठना पड़ेगा। फरमाया दरवेश को देखते हैं, दरवेशी को समझते हैं, फरमाया उसको परखने के लिए, उससे हासिल करने के लिए, उसे समझने के लिए कि दरवेशी है क्या, फरमाया उस दरवेश की सोहबत में जाना पड़ेगा, उस दरवेश के पास बैठना पड़ेगा। फरमाया इसी तरह सदाकत के बारे में सभी जानते हैं कि वो सच्चा है, वो सच्चा है। फरमाया अगर इसकी तय में जाना है तो हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सदाकत पर जाना पड़ेगा। फरमाया अदालत के बारे में सभी जानते हैं, अदल के बारे में सभी जानते हैं। फरमाया अगर अदल को देखना है, परखना है, तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत पर जाना पड़ेगा। फरमाया हया के किस्से सभी सुनते हैं, हया के बारे में सभी समझते हैं। फरमाया अगर हया तक पहुंचना है कि हया है क्या, फरमाया फिर वो हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुंचना पड़ेगा। फरमाया शुजात बहादुरी के किस्से सभी सुनते हैं कि फला भी बहादुर है, फला भी बहादुर है। फरमाया शुजात बहादुरी तक अगर पहुंचना है तो हज़रत अली करमुल्लाहुल वजहुल करीम की चौखट को जो है वो बोसा देना पड़ेगा। फरमाया खुदा का नाम तो सभी सुनते हैं, परिंदों से भी सुनते हो, दरिंदों से भी सुनते हो, फरमाया दरवेशों से भी सुनते हो, वलियों से भी सुनते हो, आलिमों से भी सुनते हो, मौलवियों से भी सुनते हो, सूफियों से भी सुनते हो, कलंदरों से भी सुनते हो। फरमाया अल्लाह का जिक्र हर चीज से सुनते हो, पर अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो तुम्हें फिर जो है किसी और के पास नहीं, बल्कि आमना के लाल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट तक जाना पड़ेगा। जब महबूब अलैहिस्सलाम की चौखट पर पहुंचोगे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट को बौसा दोगे, तो फरमाया फिर पता चलेगा हाँ वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। फरमाया वो कैसे, फरमाया इस तरह जिस तरह महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान मन रानी फकद रअल हक, कि जिसने मैं मोहम्मद को देखा उसने खुदा को देखा। मन रानी फकद रअल हक, जिसने मैं मोहम्मद को देखा उसने हक को देखा। फरमाया इसलिए महबूब अलैहिस्सलाम का हाथ यदुल्ला है, महबूब अलैहिस्सलाम की आँख ऐनुल्ला है। फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक वजहुल्ला है।